हलो मनोज उमर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इसमें हमें टॉपिक पढ़ने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेटोजेनेसिस मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन और एंड इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रिक डेवलपमेंट और लास्ट टॉपिक यहाँ पर पार्चरेसन और लैक्टेशन तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना तो पहली लाइन में ही बोला गया है कि ह्यूमंस आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरस वीवी पैरस उनको बोलते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं कई रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमंस में जिसमें पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमिट गैमीट बनने को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं जैसे स्पर्म का मेल में बनना और ओवम का फीमेल में बनना यही स्पर्म जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक में तो इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन और जब इन मेल और फीमेल के गैमिट का फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और फाइनली फ्यूजन से स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट और यही जायगोट डेवलप हो जाता है जिससे आगे जाकर ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट और ये अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल में तब बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांट होने के बाद जो पूरे बेबी बनने के प्रोसेस को मतलब एम्ब्राइनिंग जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन और फाइनली बेबी का हो जाता है डिलीवरी जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन और ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हमने पढ़े हैं ये सब हमें दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के बाद में यहाँ पर एक रिमार्केबल डिफरेंस है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या डिफरेंस है स्पर्म का तो फॉर्मेशन होता है कंटिन्यू ओल्ड एज तक भी मगर ओवम का फॉर्मेशन होता है अराउंड यहाँ पर 50 ईयर एज तक 50 साल तक ही होता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ह्यूमन के